As the battleground tally is ready for the big fight, the war is getting tougher with each passing day for all the parties. It's not at all surprising that for the first time since independence, Congress is playing the role of a minority party. But strangely, BJP too is worried about Congress's poor performance during the tally polls, although it is for a different reason. Congress's disappearance means that all the anti-BJP votes will go in favor of AAP, which is certainly not good for BJP. BJP has a stronghold at 32 seats out of 70 total assembly seats, while AAP has a stronghold over 34 out of 70 seats in Delhi polls. This time, the Congress is contesting in all 70 assembly seats, but it is in a strong position in only 8 to 10 assembly seats. In almost 60 assembly seats, which it earlier won or came second, the Congress is not even in the race. But if we go by the voters, the people of Delhi, then we surprisingly get a different stat. जी बिल्कुल, बीजेपी डेफिनेटली सरकार बनाएंगी क्योंकि केंद्र में सरकार हमारी है, हम चाहते हैं सरकार हो। मगर बहुत बार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भी दिल्ली में बहुत सारे मामले आते रहे हैं, आपको पूरा विश्वास है कि मोदी सरकार हर प्रकार से कामयाब हो पाएगी? इससे पहले महिलाओं के लिए किसने काम किया है? आज मोदी सरकार है जो महिलाओं के हक के लिए आवाज उठा रही है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो एक महिला पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ, लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए शीला दीक्षित ने क्या किया? और आज जो केजरीवाल सिर्फ नौटंकी कर रहे, इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है? हम मोदी के इतने बड़े फैन हैं कि अगर मोदी कह दे तो हम जान दे दें। मोदी हमारे लिए गौरव का बात है कि हमारे लिए जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऐसा ही होना चाहिए, और हमारे हिंदुस्तान का नहीं पूरे भारत देश का इतना विकास होगा कि आने वाले समय में ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी देखेगी। और हम दिल्ली भाइयों से आग्रह करेंगे कि हमारे मोदी भाई नेतृत्व में किरण बेदी को भारत महोत्सव से विजयी बनाए। महिला ने भी सोचना चाहिए किरण बेदी के बारे में। इससे अच्छा मौका, इससे बेटर मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिल पाया, क्योंकि उसने जनता का मन जीत लिया है। अरे जनता ने उस पर विश्वास है, क्यों वो एक विश्वासी औरत है। थैंक यू। उधर बहुत सारी बुनियादी समस्याएं भी हैं, अगर इस इलाके की बात करें तो उसको लेकर क्या आशा है कि सब चीजें दूर हो जाएंगी? सभी समस्याएं, सभी समस्या दूर हो जाएंगी, बिल्कुल 100% है, इस पर यकीन है। पूरा पढ़ी लिखी है, कमिश्नर है, पुलिस में काम कर चुकी है, संस्थाएं चला चुकी है, और बहुत अच्छी है, बहुत बेटर है। दिल्ली की 60 सीटें कम से कम जीतेंगे हम। दिल्ली में केंद्र बेदी की सरकार बनेगी, एक साफ सुथरी सरकार। दिल्ली को भगोड़ों से धोखेबाजों से झूठों से मुक्ति मिलेगी। इस बार जो कांग्रेस ने जिंदगी भर किया झूठ बोल के हमारी पब्लिक को, हमारी जनता को बेवकूफ बनाया, ये इसी तर्ज पे केजरीवाल, यही सभी सर्वों के अंदर केजरीवाल पूरे तरीके से सरकार बनाता है। झूठा। पिछली बार सर्वों में सभी सर्वों ने पिछली बार केजरीवाल को 6-7 से ज्यादा सीटें नहीं दी थी, इस बार केजरीवाल को बहुत ज्यादा आंका जा रहा है। ये सारे सर्वे अभी आपको आने वाले चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे उसमें सारे के सारे झूठे साबित होंगे। जो केजरीवाल जो अन्ना का नहीं हो चुका, वो पब्लिक का क्या होगा? और 49 दिन में सरकार छोड़ के भाग गया और लोगों को गुमराह कर रहा है, ये लोगों का घोटाला है। जो बच्चों की सौगंध खाता है वो शपथ लेने के बाद में वो देश का क्या भला करेगा? Powered by NNIS.